हेलो एवरीवन, अभी हम बस एडमिटेंस मैट्रिक्स के फॉर्मेशन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये क्या डिफरेंस है प्रीवियस क्वेश्चंस में और अभी में? अभी हमको जो दिया है इसमें शंट एडमिटेंसेस भी दिए हुए हैं, तो यदि क्वेश्चन में शंट एडमिटेंस आते हैं तो उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं और किस तरह से हम वाइबस फॉर्म करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक, यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी है अगर विजिबल नहीं होता आप यहाँ देख सकते हैं। 1 से लेके 2 में जो कनेक्टिविटी दी हुई है वो कितना दी है, 1 से लेके 2 में 0.06 प्लस जे 0.18, इतना पर यूनिट। अब यहाँ पे मेंशन कर दिया पर यूनिट, मेंशन नहीं किया होता है तो ओम भी हो सकता है और वो भी वो आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ ये मेंशन किया है इम्पीडेंसेस, नहीं लिखा हो डायरेक्टली वैल्यू लिख दी हो और मो या ओम लिखा हो तो आपको अटेंशन देना पड़ेगा कि वो एडमिटेंस गिवन है या इम्पीडेंस गिवन है। यदि मो दिया है इसका मतलब डायरेक्टली एडमिटेंसेस गिवन है, और यदि ओम दिया है तो डायरेक्ट आपको इम्पीडेंस गिवन है और आपको एडमिटेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमको ये डिफरेंट दिया हुआ है 1 से लेके 3 में, 1 से लेके 3 में यहाँ पर 0.03 प्लस जे 0.09, इतना पर यूनिट। 2.3 में, 2 से लेके 3 में कनेक्टिविटी बता दिया 0.08 प्लस जे 0.24, इतना पर यूनिट कनेक्टेड है। साथ ही यहाँ पे वाई ए वाई बी वाई सी वाई डी और वाई ई कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि ईच लाइन टोटल शंट एडमिटेंसेस माइनस जे 5 पर यूनिट। मतलब क्या है कि जे 5 पर यूनिट जो है एक लाइन का टोटल शंट एडमिटेंस गिवन है। टोटल शंट एडमिटेंस का क्या मतलब है कि अगर लाइन 1 और 2 की बात करें, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 की लाइन 1 और 2 टोटल शंट एडमिटेंस क्या होगा? लाइन 1 और 2 की बात करें तो टोटल क्या हो जाएगा इस लाइन में शंट एडमिटेंस? वाई सी प्लस वाई डी, वाई सी प्लस वाई डी दैट इज इक्वल टू माइनस जे 5.0। अच्छा, अब हमको यदि कुछ मेंशन नहीं है तो हम इक्वल कंसिडर करेंगे कि वाई सी इज इक्वल टू वाई डी, क्योंकि हम ऐसा तो अज्यूम नहीं कर सकते ना कि ये 1 है और ये 4 है, ऐसा हम अज्यूम नहीं कर सकते जब तक कि हमको दिया नहीं हो इंडिविजुअल। हमें सिर्फ इतना दिया है कि वाई सी और वाई डी या टोटल एडमिटेंसेस जो टोटल शंट एडमिटेंसेस जो है किसी भी दो किसी एक लाइन का दो बसेस के बीच में वो जो है माइनस जे 5 गिवन है। तो हम ये अज्यूम भी कर लेते हैं साथ में कि ये दोनों इक्वल, तो इसका मतलब वाई सी विल बी इक्वल टू वाई डी। मतलब क्या हो गया, 2.5 हो गया, माइनस ऑफ जे 2.5 1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो तभी टोटल मिला के जो हो गया वो आपका माइनस जे 5। इसी तरह से लाइन 1 और 3 के बीच में क्या है, 1 और 3 टोटल एडमिटेंस शंट एडमिटेंस क्या हो जाएगा? 1 और 3 के बीच में क्या क्या कनेक्टेड, वाई ए है और वाई बी है, तो वाई ए प्लस वाई बी विल बी इक्वल टू माइनस जे 5.0 पर यूनिट। साथ में ये भी अज्यूम करेंगे कि वाई ए इज इक्वल टू वाई बी है। सिमिलरली फॉर लाइन 2 और 3 टोटल शंट एडमिटेंस कितना गिवन है 2 और 3 के बीच में, वाई ई प्लस वाई एफ दैट विल बी इक्वल टू माइनस जे 5.0 पर यूनिट, 5 है। ठीक, साथ में ये भी अज्यूम करेंगे कि y इज इक्वल टू y n। ये कुछ अजम्पशन हमने किया जो कि हमको गिवन डाटा था उस पे बेस्ड। ठीक है, अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या दिए हैं, इम्पीडेंसेस दिए हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना है, एडमिटेंसेस। तो हम बोलेंगे स्मॉल y 12 विल बी इक्वल टू 1/Z12 विच विल बी इक्वल टू 1 से लेके 2 के बीच में क्या है 1/0.06 प्लस जे 0.18, दिस विल बी इक्वल टू 1.66 माइनस जे 5। वाई 13 क्या होगा, वाई 13 या वाई 31 दोनों इक्वल होगा। ठीक है, वाई 13 विल बी इक्वल टू 1/Z13 दैट विल बी इक्वल टू 1/0.03 प्लस जे 0.09 दैट विल बी इक्वल टू 3.33 प्लस जे 10 माइनस जे 10 नेक्स्ट आ जाता है आपका y 23 दैट विल बी इक्वल टू 1/Z23 दैट विल बी इक्वल टू 1/0.08 प्लस j 0.24 दैट विल बी इक्वल टू 1.25 माइनस j 3.75। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम
ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स निकालेंगे एंड डायगोनल एलिमेंट्स निकालेंगे. तो जब हम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल वाई वन टू विल बी इक्वल टू कैपिटल वाई टू वन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल वाई वन टू दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1.66 प्लस जे फाइव. सिमिलरली कैपिटल वाई वन थ्री दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल वाई थ्री वन दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल वाई वन थ्री दिस इज इक्वल टू माइनस 3.33 प्लस जे 10. नेक्स्ट आ जाते हैं हम वाई कैपिटल वाई टू थ्री विल बी इक्वल टू कैपिटल वाई थ्री टू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल वाई टू थ्री दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.25 प्लस जे 3.76. ये आपके आ जाते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. जहां डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं हम तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, कैपिटल वाई वन वन वो क्या हो जाएगा, बस नंबर वन पे जितने कनेक्टेड एडमिटेंसेस थे उन सबका सम. तो ये आ जाएगा आपका वन पे कौन कौन से, वन टू कनेक्टेड है और वन थ्री कनेक्टेड है. तो वाई वन टू प्लस वाई वन थ्री, इसके साथ में अब क्या होगा, प्लस वाई ए प्लस वाई सी. ठीक है, तो इन दोनों का सम आपका क्या आ जाता है, ओल्ड वाला जो आपने निकाला वो आ गया आपका फाइव. जब यदि आपने ये कंसिडर नहीं करते हैं और उस समय यदि आप निकालते हैं वाई वन वन कैपिटल वाई वन वन जो इन दोनों का सम होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वन टू और वाई वन टू और वाई वन थ्री का सम निकालेंगे आप, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस करेंगे यहाँ पे. इस समय जो हम कंसिडर करेंगे ना, यहाँ पे हमने माइनस लिया हुआ इसलिए यहाँ नेगेटिव आया है. जब हम वाई वन वन कैपिटल निकालते हैं, जब हम डायगोनल एलिमेंट्स निकालते हैं तो हम सीधे हम ऐड करते हैं, तो हमारा क्या जाएगा, फाइव माइनस फाइव जे प्लस वाई ए और वाई सी का सम कितना है, माइनस ऑफ जे फाइव. तो वाई वन वन विल बी इक्वल टू फाइव माइनस जे ट्वेंटी. सिमिलरली वाई टू टू की यदि मैं बात करती हूँ तो वाई टू टू क्या होगा, वाई टू टू होगा वाई वन टू प्लस स्मॉल वाई वन टू प्लस स्मॉल वाई टू थ्री प्लस वाई डी प्लस वाई ई, वाई डी प्लस वाई डी. तो वाई वन टू क्या है, वाई वन टू है मेरा ये, वाई वन टू क्या है 1.66 माइनस जे फाइव प्लस वाई टू थ्री क्या है 1.25 माइनस जे 3.75 माइनस जे फाइव जो क्या है, इन दोनों का सम. तो आपका कैपिटल वाई टू टू क्या आ जाता है, कैपिटल वाई टू टू आ जाता है कंसिडरिंग शंट एडमिटेंसेस क्या आ जाता है, 2.91 माइनस जे 13.5 आएगा आपका वाई टू टू. सिमिलरली वाई थ्री थ्री यदि आप निकालते हैं, वाई थ्री थ्री क्या निकालेंगे, वाई थ्री थ्री विल बी इक्वल टू थ्री बस पे थर्ड बस पे जितने भी एडमिटेंसेस कनेक्टेड है उनका सम, तो टू थ्री है थ्री वन है स्मॉल वाई टू थ्री प्लस स्मॉल वाई थ्री वन प्लस वाई बी और वायर वाई बी प्लस वायर. अभी समझ में आ रहा होगा कि हमने एक असम्पशन ये तो हमको जो दिया था टोटल शंट एडमिटेंस माइनस जे फाइव है वो तो हमारा था, उसके साथ हमने एक असम्पशन किया था कि ये दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि हमको हमेशा इन दोनों कॉम्बिनेशन को ऐड नहीं करना है, हमें वाई सी को वाई बी के साथ भी करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो है लाइन के साथ में नहीं, हमें बस को देखना है, बस के साथ में तो ये और ये दोनों आ रहे डी और ई. तो यदि हमने इक्वल वाला असम्पशन नहीं किया होता तो फिर हम आगे का कैलकुलेशन नहीं कर पाते, इसलिए हमने अज्यूम किया कि ये दोनों इक्वल है. अब यदि गिवन होता कि नहीं इक्वल नहीं है या कुछ रेशो बता दिया होता तो हम उस रेशो में उसको कंसिडर करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा थर्ड वाले के लिए, ये और ये एडमिटेंसेस शंट एडमिटेंसेस यहाँ पर ऐड होंगे. तो यहाँ पे वाई टू थ्री क्या होगा, वाई टू थ्री हो जाएगा हमारा 1.25 माइनस जे 3.75 प्लस वाई थ्री वन क्या हो जाएगा, थ्री वन या मतलब वन थ्री जो है वो एक ही है जे 10 ये 10 नहीं माइनस जे 5.0 जो कितना आ जाता है आपका, वाई थ्री थ्री विल बी इक्वल टू 4.58 माइनस जे 18.75. तो इस तरह से आपका वाई बस क्या फॉर्म होगा, वाई बस विल बी इक्वल टू 5 माइनस जे 20 वन वन जो आपका आया वन वन आपका फाइव
टू टू क्या आया आपका 2.91 माइनस जे 13.5, 3.3 क्या आया है 4.58 माइनस जे 18.7। बाकी वैल्यूज तो आपने जैसे प्रीवियसली निकाली थी वैसे ही यहाँ पे निकाली हुई है। 1.2 क्या होगा, 1.2 हो जाएगा माइनस 1.66 प्लस जे 5। 1.3 क्या हो जाएगा माइनस 3.33 प्लस जे 10। जो 1.3 होगा वही 3.1 होगा माइनस 3.33 प्लस जे 10 माइनस 1.66 प्लस जे 5। जो 1.2 होगा वही 2.1 होगा माइनस 1.25 प्लस जे 3.75। जो 2.3 होगा वही 3.2 होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है ये हमारा, ठीक है जी 3.75। ये आपका आ जाता है वाइबस मैट्रिक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि यदि हमें शंट एडमिटेंसेस भी गिवन हो, इनकी वैल्यूज यदि गिवन हो तो उसको हम कहाँ कंसिडर करते हैं, उसको हम कंसिडर करेंगे हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स के साथ। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स उनको जैसे बिना कंसिडर किए यदि आप सॉल्व करते तो जो निकलते ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स वो यही होते जो आपने कंसिडर करने के बाद निकाले।